हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लेसन 15 का थर्ड पार्ट, जो है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रूल 11। अभी तक हमने रूल 8 और 9 और 10 पढ़ लिए, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें कौन कौन सी फॉर्म की जरूरत होती है, कब नोटिस आता है, कितने दिन में आता है, कौन सी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट आता है। ये सारी चीजें हम 8, 9, 10 में कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जीएसटी आईएन जो हमारा होता है वो स्टेट स्पेसिफिक, इसका मतलब जिस स्टेट में मान लीजिए मुंबई और दिल्ली में अगर बिजनेस है तो दोनों स्टेट में हमें जीएसटी आईएन ऑब्टेन करना पड़ेगा। वैसे ये भी है कि मान लीजिए दिल्ली है, इसके अलग अलग सिटी या विलेज में आपका अलग अलग बिजनेस है, तो उसके टाइम में स्टेट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to Rule 11, Sub Rule 1, any person having a multiple place of business within a state or union territory requiring a separate registration for any such place of business under Subsection 2 of Section 25 shall be granted separate registration in respect of each such place of business subject to following condition, namely क्या क्या? उन्होंने कहा कि जैसे 25 में हमने पढ़ चुके हैं कि distinct person, इसका मतलब अगर किसी person के पास एक से ज्यादा business वो चला रहा है तो उसे separate registration लेना होता है। उसी से related अगर किसी person के पास within state या फिर union territory एक से ज्यादा business या एक से जगह multiple place of business चला रहा होगा तो उसमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, नेमली पहला, सच पर्सन हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस एज डिफाइंड इन क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2। इसका मतलब उसके पास एक से ज्यादा जगह बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सच पर्सन शैल नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फॉर एनी हिज प्लेस ऑफ बिजनेस इफ He is a paying tax under section 9 for the other place of business। इन्होंने कहा कि और जो person है वो composition levy में नहीं होना चाहिए अगर वो section 9 के अंदर कोई भी place of business चलाता होगा। Simple। All separate registration place of business of such person shall pay tax under the act। और हर एक सेपरेट बिजनेस है उसका रजिस्टर होना चाहिए और वो टैक्स पे करना चाहिए ऑन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू और अदर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन एंड इशू अ टैक्स इनवॉइस ऑफ अ बिल ऑफ सप्लाई एट द केस में बी फॉर द सच सप्लाई। ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। देन अ रजिस्ट्रेशन पर्सन ऑब्टेनिंग अ opting to obtain separate registration for place of business shall submit a separate application in form number GST registration 1 in respect of such place of business। इसका मतलब हर एक place of business के लिए वो form number GST registration 1 file करेगा। दूसरा, the provision of rule 9 or rule 10 relating to verification and grant of registration shall mutatis mutandis apply to application submit their rules। सिंपल सी बात कहेगी कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के बराबर, जैसे रूल 9 और रूल 10 हर जगह एप्लीकेबल होते हैं वैसे ही यहां पर भी एप्लीकेबल होगा ऑन द रूल 11 में, ठीक है। नाउ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स डीटीएस, ठीक है, और कलेक्ट सीटीएस। अब जो जो डिडक्शन एट सोर्स और कलेक्शन एट सोर्स करता है उनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके लिए कौन सा फॉर्म है, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 और पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 शैल इलेक्ट्रॉनिक सबमिट एन एप्लीकेशन ड्यूली साइन ऑन वेरीफाई इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07। सिंपल, जो भी डेटा करता है टैक्स अंडर सेक्शन 51 और जो भी कलेक्ट करता है टैक्स अंडर सेक्शन 52 उससे फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07 फाइल करना होता है ना।
A person applying for registration to collect tax in accordance with the provision of Section 52 in a state or union territory where he does not have physical presence shall name mention the name of the state or union territory in Part A of the application फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07। इन्होंने कहा कि जो भी कलेक्ट करते हैं टैक्स अगर उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रेजेंस ना हो, फिजिकल प्रेजेंस ना हो यूनियन टेरिटरी और तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कोई ना कोई उन्हें पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जीएसटी में मेंशन करना होगा, मेंशन करना होगा। And the mention the name of state or union territory in part B of thereof in which principal place of business is located, which may be different from the state or union territory mentioned part A. अब इन्होंने कहा कि part A में तो आपको क्या करना है कि state और union का नाम लिखना है, नाम लिखना है अगर principal place of business आपका उस state और union territory में नहीं, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं है जिसमें, मगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस से आप वर्क कर रहे हैं तो आपको जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात। मगर प्रिंसिपल और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है आपका, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा कि किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पार्ट बी में यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, the proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate registration in form number GST registration 06 within a period of 3 working day from the date of submission of application। zipper hum ye bhi padh chuke hain ki rule 8 mein jo hum form part b form bharte the registration 06, theek hai, जो हम फॉर्म भरते थे उसके लिए भी जो सर्टिफिकेट आता था वही इसी में आता था जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में। उसी तरह जब हम कोई भी कलेक्ट कर रहा है, फेडरेट कर रहा है, टैक्स वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है 07 के अंदर, तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 के ही अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा विदिन अ पीरियड ऑफ 3 डे, ये सब में होगा विदिन अ पीरियड ऑफ 3 डे, ये सब चीजों में होगा। नाउ वेयर upon an inquiry or pursuant to any other proceeding under the act the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in form number GST registration 06 has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52 the said officer may cancel the registration issue under subsection subrule 2 and this cancellation shall be communicated to the said person electronically in form number GST registration 05। उन्होंने कहा कि क्या होता है जो कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, जो मान लीजिए बी कलेक्ट कर रहे थे टैक्स, कलेक्ट कर रहे थे टैक्स एट सोर्स, ठीक है, कलेक्ट करते करते उन्होंने तो फॉर्म नंबर जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन 07 है उसमें फाइल कर दी, उसमें फाइल कर दिया, उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन 06 में मिल गया। मगर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो हमारे ऑफिसर है उन्हें लगता है कि जो बी पर्सन है अब वो कलेक्ट नहीं कर रहे किसी से टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे अंडर सेक्शन 52 तो क्या करते हैं जो ऑफिसर हमारे होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं वो उस जो 6 में उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करा था उसे कैंसिल कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं वो नीट इशू करते हैं नोटिस और उन्होंने बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया जो हमने रजिस्ट्रेशन 06 में दिया था फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। सो क्या कम्युनिकेशन टू सेड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन 08 फॉर द कलेक्शन या फिर डीडीएस के लिए कैंसिलेशन के लिए होता है यूज, सिंपल। नाउ ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दो लोग होंगे या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों के लिए होता ही है, ठीक है, रूल 30। नाउ अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल इलेक्ट्रॉनिक सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अ वैलिड पासपोर्ट फॉर रजिस्टर्ड ड्यूली साइन इन अ फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 9 at least 5 day prior to commencement of business at the common portal either directly or through facilitated center notified by the commission। simple se kahiye ki jo bhi casual taxable person or non resident taxable person hai, non resident taxable person hai wo registration
रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन लाइन है उसमें फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन। और वो कब भरेंगे? अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 दिन पहले। मान लिया जाए कि 13 जून को अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 25 मई को ही फॉर्म फिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन में। नाउ प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी किन केस में अगर बिजनेस एंटिटी जो है वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड या फिर स्टेबलाइज है, द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिट अलोंग विद द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री या परमानेंट अकाउंट नंबर इफ अवेलेबल। इन्होंने कहा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन 9 फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, उसके साथ अगर आपका बिजनेस, आपका जो बिजनेस है अगर वो बाहर की किसी कंट्री, मान लीजिए यूएसए की कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड या फिर स्टेबलाइज है, तो उस जगह का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ भरना ही पड़ेगा, उसके साथ भरना पड़ेगा। दूसरा, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रोन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी given a temporary reference number by a common portal for the making an advance deposit of tax in accordance with the provision of section 27 and acknowledgement under sub rule 5 of rule 8 shall be issued electronic only after the said deposit in electronic cases. सबसे बात कहेगी जो आपको टैक्स, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, जो उन्होंने टैक्स पे करा है उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 में एक एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा, ठीक है। नाउ द प्रोविजन ऑफ रूल 9 एंड 10 रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मुटेंडिस अप्लाई टू एप्लीकेशन सबमिट अंडर दिस रूल। और जो हमें 9-10 में जो एप्लीकेशन सबमिट करा, जो अप्रूवल कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन 6 फॉर रजिस्ट्रेशन जो भी हमारा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो इशू होगा, और 9 और 10 वैसे एप्लीकेबल होगा जैसा हर एक रोल पे एप्लीकेबल हो रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी ड्यूली साइन एंड वेरीफाई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बाय द अथॉरिटी सिग्नेटरी हु शैल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैविंग द वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर। नाउ रूल 30 भी कंप्लीट। Now, Rule 14, grant of registration to a person supplying in online information and database access or retrieval service from the place of outside India to a non-taxable online recipient. Simple सी बात कही गई कि कोई भी person जो online information from the place of business outside India to non-taxable online recipient को दिया जा रहा है, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म फाइल करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10। और दूसरा रूल 15 बोला गया, एक्सटेंशन इन पीरियड ऑफ पर्सन ऑपरेशन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो भी रजिस्ट्रेशन है वो 90 डेज के लिए दिया जाता है। कितने दिन के लिए जाता है? 90 डे के लिए दिया जाता है। तो ये 90 अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को लगता है कि हम 90 डे से ज्यादा यहाँ बिजनेस रखना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म फाइल करना पड़ता है। वो फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11 होता है। सिंपल, ये 90 डे से ज्यादा के लिए। अब आगे 16, सुमोटो रजिस्ट्रेशन रूल 16, whether pursuant to any survey, inquiry, inspection, search or any other proceeding under the Act, the proper officer find that a person liable to register under this Act has failed to apply for the such registration, such officer may register such person on temporary basis and issue an order form number GST registration 12. अब क्या होता है? ऑफिसर जो हमारे हैं, ऑफिसर को लगता है कि जो पर्सन है वो 22 सेक्शन 22 के अंदर लाइबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 के अंदर लाइबल है, मगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तो क्या करेंगे? अपने आप जो जो अपने ऑफिसर है वो अपने आप उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑन द टेम्परेरी बेसिस एंड वो ऑर्डर इशू कर देंगे उस पर्सन को फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 में। सिंपल। नाउ
देन द रजिस्ट्रेशन ग्रांटर सब रूल वन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। और जो हमने वो जो ऑर्डर इशू करा गया वो उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन उसे ग्रांट करा गया रजिस्ट्रेशन, जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है उसे ग्रांट करा गया। Then every person whom the temporary registration has been granted under sub rule 1 shall within a 90 days, यहाँ पर ध्यान देंगे within a 90 days from the date of grant of such registration submit application for registration in a form manner provide rule 8 and rule 12। Simple, इसका मतलब जो registration 01 है उसे file करना पड़ेगा, उसे file करना पड़ेगा। Said has been thus unless the said person has filed an appeal against the grant of temporary registration in which case application for registration shall be submitted within 13 days from the date of issuance of order upholding the liability of registration by the appellant authority। उन्हें कहा गया है कि आपको within 19 days जिस दिन आपको ग्रांट करा गया, आपको ग्रांट किया गया रजिस्ट्रेशन उस दिन 90 डेज के अंदर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जैसे रूल 8 और रूल 12 में बताया गया। अगर नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपील करेंगे अगेंस्ट द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन टू द अपीलिंग अथॉरिटी। सिंपल। नाउ असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू सर्टेन स्पेशल एंटिटी अकॉर्डिंग टू रूल 17। Every person required to obtain a unique identification number under subsection 9 of section 25 may submit application electronic form number GST registration 13। अब हमने ये पढ़ा था, याद हो आपको, जो एम्बेसडर होते हैं यूएसए के, एम्बेसडर हो गए, डिप्लोमेट हो गए या फिर बाहर के कोई पर्सन हो गए, सिंपल, उन्हें अगर एम्बेसडर हो गए, यूएसए के डिप्लोमेट हो गए, बहुत सारी चीज जो सबसेक्शन 9 रूल 25 में दिए हुए, उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होती है। हमने पढ़ा था 25, उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होती है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हमें लेना होता है वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13 में फाइल करके मिलता है। मैंने स्पेसिफाई रूल 1 एट द कॉर्नर पोर्टल एज डायरेक्टली और थ्रू द फैसिलिटेट सेटर नोटिफाइड बाय द बोर्ड कमिश्नर। और जैसे यहां पर द प्रॉपर ऑफिसर मे अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13 और आफ्टर फाइलिंग अप द said from or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India assign the unique identification number to said person and issue certificate in a form number GST within a 3 working day from the date of submission application। और GST registration उन्हें मिल जाएगा जब वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13 फाइल करते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उन्हें इशू हो जाएगा आफ्टर द कंफर्मेशन और रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल। नाउ डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन द नेम बोर्ड। रूल 18 बोलता है कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिला है आपको, जहां आपका बिजनेस है, जहां आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और भी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां आपको ऑन द बोर्ड पे लिखा होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल 19। Where there is any change in the any of particular furnished in application for registration form number GST registration 17, casual taxable, non-resident taxable for data information or 10 or form 13, as the case may be, either at the time of obtaining registration or amendment from time to time, the registered person shall within 15 days, यहाँ पर ध्यान देंगे within 15 days, such change submit application duly signed electronic form number GST 14 along with the document relating to such change on the at the common page। इसका मतलब अगर कहा गया कि आपने GST form, GST registration 7 और registration 9, 13 और 13 आपने फाइल कर दिए, फाइल करने के बाद क्या होता है, कोई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे नाम चेंज हो गया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, तो चेंज आने के दिन विदिन 15 डेज, मान लिया जाए कि आपको 1 जुलाई को चेंज हो गया, तो विदिन 15 जुलाई आपको फाइल कर देना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 14, ठीक है, फॉर द सच चेंज विद डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सच चेंज एट द कॉमन पोर्टल। नाउ प्रोवाइड द चेंजेस, क्या बोला गया, चेंज रिलेटेड टू लीगल नेम आपका हो गया,
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपके चेंज हो गया, या फिर एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डायरेक्टर कर्ता कमेटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर ऑफ बिजनेस। सिंपल। नाउ फिर डज नॉट वारंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29। द प्रॉपर ऑफिसर सेट अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन 15 डेज वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पब्लिकेशन इन अ फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इशू ऑर्डर फॉर्म जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक एंड सच अमेंडमेंट शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अक्यूरेंस ऑफ वांटिंग अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कि जो कैंसिलेशन हमें जरूरत नहीं है, जो कैंसिलेशन हमें लगता है कि वो कैंसिलेशन जो कैंसिलेशन विच डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29, ये हम जो कैंसिलेशन करवाते हैं उससे रिलेटेड है। 29 अभी पढ़ेंगे, 29 अभी पढ़ा जाएगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होता है, क्यों होता है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर का लगता है कि जो अमेंडमेंट हो रहा है विद इन 15 डेज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन वो जो हमने 15 भरा, सिंपल सी बात कही गई यहाँ पर क्या कहा गया, जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन 14 फाइल करा, 14 फाइल करा, अगर उसको लगता है कि सही आपका चेंजेस जरूरी है तो वो, अगर चेंजेस नहीं जरूरी है तो एक इशू ऑर्डर कर, ऑर्डर इशू करता है फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 15 इलेक्ट्रॉनिक ऑफ सच अमेंडमेंट। सिंपल। द चेंज रिलेटेड टू सब क्लॉज 1 2 3 एंड ए इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन अंडर दिस रूल एंड द सेम पेन। नाउ यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे कुछ चेंज आ गया है। द प्रोवाइड दैट चेंज इन द मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस और अथॉरिटी सिग्नेचर सबमिट अंडर रूल 1 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी कैरी आउट ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन थ्रू द कॉमन पोर्टल इन द मेन। अगर कोई भी आपका मोबाइल नंबर ईमेल चेंज हो रहा है तो वो थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ही हो जाएगा, उस पर SMS आएगा, उससे हम चेक कर लिया जाएगा। नाउ नॉट विद एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल 1 एनी पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन shall not stand amended with effect from the date of earlier than the date of submission of application in form number GST registration 14 on the common portal except with the order of commissioner for the reason to be recorded in writing and subject to such condition as commissioner may set officer specify। उन्होंने कहा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन 14 फाइल करते हैं उसी दिन से चेंजेस माना जाएगा, उसी दिन से चेंजेस माना जाएगा, उससे पहले चेंजेस वो नहीं माना जाएगा। Where the proper officer is opinion that amendments out to under sub rule 1 is an either not warranted or document furnished therein are incomplete or incorrect। कहा गया कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल कराया फॉर द अमेंडमेंट अगर इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्ट होते हैं, ही मे विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्टर और नोटिस इन अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 रिक्वायरिंग रजिस्टर्ड पर्सन टू शो कॉज विद इन 7 वर्किंग डे सर्विस ऑफ सेट नोटिस। और उन्होंने कहा कि जो 14 में आपको डॉक्यूमेंट भर रहे हैं फॉर द अमेंडमेंट अगर वो गलत होता है तो आपको नोटिस सेंड करेंगे किसमें, रजिस्ट्रेशन 3 में, और आपको उस पर रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। सिंपल। द टैक्सेबल पर्सन शैल फर्निश अ रिप्लाई नोटिस शो कॉज अंडर इशू अंडर सब रूल 2 इन अ फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये बता रखा आपको जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। फिर वही चीज यहाँ पर भी बताई गई, अगर लगता है कि रिजेक्शन, अगर लगता है कि जो आपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भरा है वो गलत है, इनकम्प्लीट है, तो जो ऑफिसर है वो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन को और ऑर्डर इशू कर देगा फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 में। द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विदिन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और विदिन 7 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई नोटिस टू शो कॉज अंडर सब रूल 3 द सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड अमेंड टू एक्सटेंड अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन। अगर क्या होता है विद इन 15 डे विद इन 7 वर्किंग डे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर तो मान लिया जाएगा कि वो अप्रूव्ड हो गया, वो चेंज हो चुका है। नाउ 14 15 हो गया, बात करते हैं रूल 20 की। अब रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन टू हुम अ रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर रूल 12 और पर्सन टू हुम अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज बीन ग्रांटेड रूल 17 सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल वन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29 इलेक्ट्रॉनिक सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन।
फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16। इन्होंने कहा कि अरेस्टेड पर्सन को भी रजिस्ट्री पर अदर देन जो उन्होंने 12 रूल 12 में और रूल 17 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ली है उन्हें को छोड़ के जिन जिनको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है सबसेक्शन 1 सेक्शन 29 में उन्हें सबमिट करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 इंक्लूडिंग देयर इन डिटेल ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक इनपुट कंटेन सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड गुड हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड हेल्ड इन स्टॉक and date from which cancellation or registration out liability there on detail of payment if any on made against the such liability may furnish along with the relevant document and support thereof common portal within a 30 day of the occurrence of payment warranting cancellation either directly through facility center notified by the commissioner within a 15 days is since aapka complete ho raha cancellation karwana chahiye aur us din ko chhod ke aap karwa sakte hain ये कैंसिलेशन का बताया हुआ है 2760 में। नाउ लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ये आया था एग्जाम में कि कौन कौन से पर्सन लायबल है फॉर द कब कब उनका कैंसिलेशन करा जा सकता है रजिस्ट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू रूल 21 डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस कोई भी पर्सन अगर बिजनेस नहीं चला रहा है तब अपना वो कैंसिलेशन करवा सकता है। इसको इनवॉइस अ बिल विदाउट सप्लाई फॉर गुड कोई भी गुड्स अप्लाई करे वे कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहे या सर्विस सप्लाई कर रहे इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दे रहा है फिर कोई भी वॉल्यूशन कर रहा है ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल मेड देन तब भी कैंसिल करा जा सकता है। वॉल्यूशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 वॉल्यूशन ऑफ प्रोविजन रूल 10 या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी गलती कर रहा है फाइल नहीं कर रहा अपना जीएसटी रिटर्न जो फाइल नहीं कर रहा 1 के अंदर या फिर वॉल्यूशन कर रहा प्रोविजन रूल 86B तब उसका कैंसिलेशन करा जा सकता है तब उसका कैंसिलेशन करा जा सकता है जो उसे रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट मिला है। नाउ आज के लिए इतना ही काफी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट आज के लिए इतना ही काफी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपने कुछ भी सीखा है इससे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आपको रेगुलर वीडियो टाइम टू टाइम रिलेटेड टू टैक्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे।